हेलो एवरीवन सम इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ जैसे एडम्स कैटलिस्ट क्या होता है ये पीटी ओब्लिक पीटीओ इन दोनों का मिक्सचर होता है पीटी PT को पीटीओ की प्रेजेंस में यूज करते हैं ऐसे का ये पीटी को प्लेटिनम को प्लेटिनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में यूज करते हैं दूसरा तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट देखो नए-नए नाम सुनोगे आप लोग जिगलर नट्टा कैटलिस्ट की क्या होता है टीआईसीएल4 प्लस ट्राईथाइल एल्यूमिनियम सी टू एच फाइव का होल्थराइस ए एल इन दोनों का मिक्सचर होता है एक है ब्राउन कैटलिस्ट निकिल बोराइड एक है है विलिंगसन कैटलिस्ट क्या होता हैल्थराइस आर एच सी एल ठीक है ये हमारे क्या है ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि राइट एनी टू राइट एनी टू कैटलिस्ट नेम विच आर यूज इन मॉडर्न टाइम इन in इंडस्ट्री तो आप लोग लिख सकते हो कभी कभी आ जाता है जैसे कॉम्पिटिशन में म्यूजिकलर नाटक एटलिस्ट किया होता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ओके okay? अब इसके बाद हियर वी विल नो अबाउट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ये शेप है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ये लो यहां पर लिख कर देता हूं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट शेप लेक्टिव कैटलिस्ट ओकेटलाइटिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी पोरसर ऑफ कैटलिस्ट एक्चुअली जो कैटलिस्ट होता है ना इस तरह का होना चाहिए उसका रफ सर्फेस होना चाहिए जैसे गाँव में आप लोग देखते हो मधुमक्खी का घर होता है उसमें होल बने होते हैं पोर्स ही होती है इससे क्या उसका सर्फेस एरिया कई गुना ज्यादा हमें शो होगा

जियोलाइट आर माइक्रोप्रोस एलिमिनो सिलिकेट ठीक है दे हैव हनी कोम लाइप लाइक स्ट्रक्चर देखो जैसे मधुमक्खी का घर होता है उसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं है ना हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दस दे आर वेरी गुड शेप सेलेक्टिव कैटेलाइसिस कैटलिस्ट बहुत यानी गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं एग्जाम्पल जियोलाइट मेन इस यानी कि मेन इसमें जेड एस एम फाइव एक तरह का जियोलाइट है एक्चुअली जियोलाइट तो बहुत तरह के हैं जो जियोलाइट कैटलिस्ट की बात कर तो एंड कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें छोट छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करना ठीक है जेड एस एम डैस फाइव कहां पर यूज होता है कन्वर्ट एल्कोहल्स डायरेक्टली इन टू गैसोलिन पेट्रोल में ठीक है बाय डिहाइड्रेटिंग रैम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रो ओके याद करना पड़ेगा ये इसके बाद एंजाइम कैटालाइसिस देखना एक्चुअली क्या है जब लैब में केमिकल रिएक्शन होती हैं तब तो हम वहां पर यूज करते हैं कैटलिस्ट लेकिन जो केमिकल रिएक्शन जैसे हमारी बॉडी में होती हैं ठीक है और उन बॉडी में केमिकल रिएक्शन को जो कैटेलाइस जो एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं वो होते हैं हमारे क्या एंजाइम्स तो क्या है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकलिस्ट देखो एनजा जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उन्हें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं हम उन्हें एनजाइम के नाम से जानते हैं तभी तो नाम पड़ा है एनजाइसिस तो एनजाइम आर दी बायोलॉजिकलिस्ट प्रोड्यूस बाई लिविंग सेल्स विच कैटेलाइज दी बायोलॉजिकल

केमिकल है वाटर की ट्वेंटी टू इलेवन वोटर के प्रेजेंस में माल्टेज ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है माल्टेज एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ऐसी <laughs> यूरिया है यूरिया वाटर के साथ वाटर के साथ यूरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है अब देखो ऐसी स्टार्च है का होल एन सी सिक्स एस टेन ओ फाइव का होल एन एक पोलीमर है होल एन तो इसलिए प्लस एन मोलिकुलर वाटर डायस्टेज एंजाइम माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है ऐसी मिल्क है देखो देखना ये मिल्क है एक हमारा एंजाइम है लैक्टोबेसिलस लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ओके एक प्रोटीन यानी प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है इन इस्टम की पेट में रिएक्शन होती है तो देखो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है ठीक है जो एंजाइम के एग्जाम्पल है आपकी बुक में भी एक चार्ट टाइप देखो ये एंजाइम इनवर्टेज सोर्स ईस्ट क्या करता है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है याद कीजिएगा ऐसे भी जाइमेज एंजाइम ये भी इससे मिलता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है डाइस्टिज एनजाइम है जो माल्ट से मिलता है स्टार्स को माल्टोस में कन्वर्ट करता है माल्टीज एंजाइम है जो इससे मिलता है माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है यूरेज एंजाइम है जो सोयाबीन यूरिया को सोयाबीन से मिलता है यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन है से मिलता है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ओके एंजाइम का मतलब एक तरह से है तो यहां पर देखो करेक्टराइज ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस करेक्टरिस्टिक्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस क्या है नंबर वन दे आर हाईली एफिशियंट बिकॉज वन एंजाइम सुन लीजिएगा वन मोलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म वन मिलियन मोलिकल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट जो एंजाइम है एक मिनट में वन मिलियन मोलिक्यूल्स को कैटेलाइज करता है कभी सोचा वन मिलियन मिलियन का मतलब दस लाख मिलियन का मतलब दस लाख टेन की पावर सिक्स

यानी वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन यूरियाज कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली अब इसे किसी दूसरी रिएक्शन में हम यूज नहीं कर सकते यूरियाज कैटलिस्ट को थर्ड दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेंपरेचर देखो ऑप्टिमम टेंपरेचर ये होता है 298 से 310 केल्विन टेंपरेचर ओके और जो हमारा ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर 310 केल्विन टेंपरेचर होता है ओके okay, इस टेम्परेचर पर ये केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से कैटलाइज होती हैं ओके इस अंडर ऑप्टिमम पीएच जो पी और ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फाइव से सेवन है ओके एंजाइम कैटलाइज आर हाइली रिएक्टिव नेक्स्ट पॉइंट इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस देखना इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर जैसे प्रोमोटर था प्रोमोटर ऐसे यहाँ पर एक्टिवेटर के नाम से जाना जाता है एंड को एंजाइम यानी पॉइजन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीसेस ठीक है तो इन सारी बातों की हमें पता होनी चाहिए इसके बाद दियर एफिशियंसी गेट डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इनिवेटर देखो पॉइजन आ गया ना आ गया दियर एफिशियंसी गेट देखो यहां पर जो ये है ये तो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को जो हमारा प्रोमोटर की तरह ओके और जो पोइजन है ना पोइजन जो डिक्रीज करेगा देखो एफिशिएंसी गेट डिक्रीज इन दी प्रेजेंस ऑफ इनिवेटर एंड पोइजन बिकॉज दीज इंट्रैक्ट विद दी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन दी एंजाइम सरफेस ओके तो पहले वाला प्रोमोटर और ये हमारा पोइजन की तरह बिहेव करेगा तो इन इन नोट्सों को पूरा कीजिएगा चेक कराते रहिए ओके ओके क्लास